खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी के प्रेग्नेंट होने और बच्ची को जन्म देने के मामले में 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं उन्होंने इस पूरे मामले में कमेटी बनाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अविवाहित महिला खिलाड़ी के प्रेग्नेंट होने के मामले में खेल मंत्री का एक्शन। मंत्री जीतू पटवारी ने जिम्मेदारों को किया सस्पेंड। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने माना वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई चूक। शासकीय हॉस्टल में वार्डन और काउंसलर की नियुक्ति का ऐलान। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की 19 वर्षीय अविवाहित महिला खिलाड़ी ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद खेल मंत्रालय में हड़कंप मच गया। वहीं प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए और उन्होंने लापरवाह पाए गए 4 जिम्मेदारों को, 2 कोच और 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया। वहीं खेल मंत्री ने बताया कि बच्ची ने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे। उसमें 4 लोगों को, 2 कोच, 2 वार्डन प्रथम दृष्टया सस्पेंड कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आगे ऐसी गति नहीं हो इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये घटना चूंकि जो संज्ञान में आई है वो बच्ची ने स्वीकार किया है कि उसका जो जिस परिवार के साथी से उसका संबंध था उसका उन्होंने नाम बताया है। मैं समझता हूँ बालिक बच्ची है पर एकेडमीज़ में इतनी देर बाद पता नहीं चला, इसके लिए दोषी हम व्यवस्था को मानते हैं और उसी के लिए ये एक तरह से एक्शन लिया गया है। वहीं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि व्यवस्था में चूक मानते हुए कहा कि मामले में एक जांच कमेटी बनाई गई जो रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के हर शासकीय हॉस्टल में वार्डन और काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। हमने आने वाले समय में, चूंकि ये बात ऐसी नहीं है कि नेगेटिविटी से की जाए, पर वार्डन हॉस्टल्स है, वार्डन की पोस्ट नहीं थी, हमने पिछली कैबिनेट में ये सब पास करवाए हैं कि हर जगह बच्चियाँ होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है, उनको एक प्रिकॉशन होता है, उनको एक समझदारी के भाव से उन काउंसलर एक उनको चाहिए, एक फिजिशियन चाहिए, एक साइकिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ये सब चूंकि एक किशोरावस्था की अवस्था में बच्चे को काउंसलिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है, इन सब पोस्टों की इजाद की, ये पहले नहीं थी ये व्यवस्था, ये पिछली कैबिनेट में मैंने पास करवाई, 2 महीने लगभग इस सब विभाग को मुझे संभाले हुआ है। मेरी कोशिश है कि हम सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से प्रदेश के परफॉर्म को सुधारते हुए बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाएं और उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल की घटना के लिए एक कमेटी बनी है जो जल्दी एक बड़ी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर आगे सुधार किए जाएंगे। बता दें, नेशनल खिलाड़ी ने कुछ समय पहले ही पेट दर्द की शिकायत की थी जिसके बाद हॉस्टल स्टाफ लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचा जहां उसने 6 माह की बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के प्रीमेच्योर होने से उसकी मौत हो गई। ऐसे में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जिम्मेदारों पर एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।